नमस्कार दोस्तों, अगर आपने अभी तक ब्रिज कन्या को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी रेड कलर सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर ऑल ऑप्शन को सेलेक्ट करें। दोस्तों, आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी कि हर सफल व्यक्ति के पीछे एक महिला का हाथ होता है। ये कहावत यूं ही नहीं कही गई है। दरअसल हिंदू पुराणों में भी पति की सफलता के लिए पत्नी को अहम कारक माना गया है। ऐसा माना जाता है कि शादी के बाद पति की किस्मत काफी हद तक उसकी पत्नी पर निर्भर करती है। यही वजह है कि कई लोगों की किस्मत शादी के बाद पूरी तरह बदल जाती है। हालांकि कई बार ऐसा भी होता है कि शादी के बाद से ही पति की बर्बादी होना शुरू हो जाती है। पति की इस बर्बादी के पीछे एक कारण पत्नी की कुछ गलतियां भी हो सकती हैं। मतलब के पत्नी की गलतियों की सजा पति को भी मिलती है। ज्यादातर मामलों में तो इन गलतियों की वजह से पति की तरक्की रुक जाती है और वो धीरे धीरे कंगाल होने लगता है। इसलिए शादी के बाद हर पत्नी को कुछ नियम कायदों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। तो चलिए जानते हैं कि इस पुराण में जिक्र किए गए वो नियम कायदे कौन से हैं। पत्नी की ये 5 गलतियां पति को बर्बाद कर सकती है, जिसमें सबसे पहली है सुबह देर से उठना। जिस घर में पत्नी रोज सुबह सूरज निकलने के बाद भी बिस्तर पर सोती रहती है, वहां काफी मात्रा में नकारात्मक ऊर्जा फैलती है। इस नकारात्मक ऊर्जा का असर पति के भाग्य पर भी पड़ता है। ऐसा कहा जाता है कि सुबह देर से उठने वाली महिलाओं के पति हमेशा दुर्भाग्य के शिकार बने रहते हैं। उनके पति का पूरा दिन बेकार जाता है, इसलिए महिलाओं को सूर्य उदय से पहले ही उठ जाना चाहिए। दोस्तों, अगली गलती है साफ सफाई ना रखना। जो महिलाएं घर में साफ सफाई नहीं रखती हैं और जिनके कमरे से बदबू आती रहती है, किसी तरह की दुर्गंध आती है, वहां दरिद्रता दौड़े चले आती है। इसका सीधा असर पति की कमाई पर भी दिखाई देता है। ऐसा कहा जाता है कि जो महिलाएं घर को गंदा रखती हैं, उनके पति के पैसे ज्यादा खर्च होते हैं और वो जल्दी कंगाल होने लगते हैं। दोस्तों, अगली गलती है रोज ना नहाना। जो महिलाएं रोज नहीं नहाती हैं, वो हमेशा नेगेटिव एनर्जी से भरी रहती है। उनकी ये नेगेटिव एनर्जी पति में भी ट्रांसफर हो जाती है। इस तरह पति का काम में मन नहीं लग पाता है और वो आलसी और निकम्मा हो जाता है। दोस्तों, अगली गलती जो अगर महिलाएं करें तो उनके पति कंगाल हो सकते हैं, वो ये है कि महिलाएं कटु वचन बोले या फिर लड़ाई झगड़ा करें। जिन महिलाओं के मुंह से हमेशा कड़वे शब्द झड़ते रहते हैं और जो अपने पति से लड़ाई झगड़े करती रहती है, वो अपने पति की बर्बादी का बड़ा कारण बनती है। आपके कटु वचन और लड़ाई झगड़े से पति का माइंड डाइवर्ट रहता है, उनका ध्यान काम में नहीं लग पाता है, जिसका असर उनके काम और करियर पर पड़ता है। दोस्तों, अगली गलती है खाने में भेदभाव। जो महिलाएं अपने पति को भरपेट खाना नहीं खिलाती है या उन्हें कुछ भी बना के बुरे मन से खिला देती है, वहां भी पति की बर्बादी निश्चित होती है। कभी कभी ना चाहते हुए भी जीवन में बहुत संघर्ष करना पड़ता है। भाग्य बिल्कुल भी साथ नहीं देता, साथ ही दुर्भाग्य निरंतर पीछा करता रहता है। दुर्भाग्य से बचने के लिए या दुर्भाग्य नाश करने के लिए हम आपको कुछ उपाय बताने वाले हैं। इन्हें पूर्ण आस्था के साथ करने से दुर्भाग्य का नाश होकर सौभाग्य में वृद्धि होती है। पर ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बस आप इन उपाय को करते रहे और कर्म करें ही ना। अच्छे काम की कोई रिप्लेसमेंट नहीं होती है। दोस्तों, पिछले कर्मों के अच्छे बुरे परिणामों की फिक्र छोड़कर आपको सच्चे और न्यायप्रिय कर्म करने चाहिए। प्रतिदिन सूर्य उदय के समय गायत्री जप और ध्यान करें, लेकिन मन में किसी फल की आशा ना रखें, सिर्फ सद्बुद्धि की ही कामना रखें। दोस्तों, अपने माता पिता का आदर सम्मान करें और उन्हें हमेशा प्रसन्न रखें। दोस्तों, ये थे कुछ आसान से उपाय जिनसे आप अपने दुर्भाग्य से अपना पीछा छुड़वा सकते हैं। और साथ ही हमने बताया कि घर की महिलाओं को कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए जो उनके पति को बर्बाद कर सकती है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।